पहले खबर के साथ करते हैं, जहां पर 9वीं क्लास के एक लड़के को पीट पीट कर मार डाला गया। घटना मयूर विहार इलाके की है। मारे गए लड़के का नाम रजत है। तो परिवार का आरोप है कि इलाके में पान की दुकान चलाने वाले लोगों से कहा सुने हुई, जिसके बाद उन्होंने लड़के की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार वाले पुलिस पर मामले को टालने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन आखिर ऐसी क्या कहा सुनी हो गई कि पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया दुकानदारों ने रजत को। 9वीं क्लास का छात्र रजत, किस बात को लेकर विवाद हुआ ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये देखिए जरा, जो पुलिस को भूमिका निभानी चाहिए थी, पुलिस इस पूरे मामले को टालने की कोशिश में लगी हुई थी। शाम को ये जो बच्चा है, मर गया है, उनका जो भाई है बड़ा, उनके पास ये जो बच्चा का एक फ्रेंड कॉल करके बोला, तो कोई पान वाला दो तीन है मार्केट में, उन्होंने इनको मार के बाइक में बैठ गए। उस समय इनको बिल्कुल ही अनकॉन्शियस दाइए इन्होंने मारा, इनको अनकॉन्शियस करके कोई हॉस्पिटल में लेके गया। तो हम लोग उधर पहुंचा मेट्रो हॉस्पिटल में, लेकिन हमें फाइन नहीं मिल पाया, मतलब इन्होंने और कोई हॉस्पिटल में लेके गया था। उधर जो हमने पहुंचा उस समय SHO मिला, तो SHO ने बोला चाइल्ड वॉज ब्रॉट डेड, डिक्लेयर डेड, तो अभी कल के लिए मॉर्चरी है, पोस्टमार्टम है, तो फिर कल सुबह आइए। प्रोग्रेस नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं है। एक्यूज्ड, मैंने उनसे पूछा कौन लेके आया, तो पुलिस वाले ने बोला कोई आया है, उसका कोई डिटेल्स नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है। तो अभी तक कुछ एक्शन भी कैसे बच्चे को कौन ले। और अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आखिर ऐसी क्या वजह रही थी कि पीट पीट कर हत्या कर दी गई 9वीं के छात्र की दुकानदारों की ओर से? बिल्कुल, देखिए ये करीब शाम को 5:30 बजे का मामला है। रजत नाम का जो छात्र है, ये मयूर विहार के एक स्कूल में 9वीं का क्लास में पढ़ता है, और ट्यूशन के बाद ये घर लौटा था अपने कुछ दोस्तों के साथ। मयूर विहार Phase 3 की जो मार्केट है, उसके पास एक पान की दुकान के पे इसका कुछ झगड़ा हुआ कुछ लोगों के साथ, और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसके बाद किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, कुछ पता लग पाया? देखिए ये किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, इस बारे में अभी पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है। उनका ये कहना है कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो लोग थे वो इन लड़कों को पास के पार्क में ले गए। तीन दोस्त उसके साथ और थे इसके, वो तीनों दोस्त किसी तरह से वहां से बचने कर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन रजत जो है वो वहां पर फंस गया, और उसके बाद इसको इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसके बाद इसको पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसको जो है ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। लेकिन अब किस वजह को लेकर के ये मारपीट हुई, किस बात को लेकर के ये झगड़ा हुआ, पुलिस अभी छानबीन इस बारे में कर रही है, पता कर रही है। जो आसपास के लोग थे दुकान में जहां पर ये झगड़ा हुआ था, वहां पर उनसे पूछताछ कर रही है, ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ जो स्टूडेंट जो बच्चे थे उनको अगर कुछ जानकारी हो तो उनसे पूछताछ की जाए, उस बारे में भी पता कर रही है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी ही चौंकाने वाली घटना है कि अगर किसी भी बात पे इतना जबरदस्त झगड़ा हो जाता है, आखिरकार आप एक किसी की जान ले लेते हो, तो आखिरकार इतना ज्यादा गुस्सा आखिरकार किस लिए लोगों में है कि जान तक गंवानी पड़ी एक 9वीं क्लास के बच्चे को। चलिए अश्विनी, अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।